आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली निहारी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा परवेज। उम्मीद करती हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है दिल्ली निहारी। ठीक है जी, आज हम निहारी बनाने जा रहे हैं। निहारी बनाने के लिए गोश्त में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और गोश्त मैंने रख दिया है। ठीक है जी, 1 चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। ठीक, और इसमें मैं डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 2 चम्मच, और इसको मैंने बॉयल पे रख दिया है। ठीक है, आधे घंटे तक इसको बॉयल करते हैं, गोश्त गल जाएगा तो फिर हम निहारी का प्रोसीजर चालू करेंगे। इंशाल्लाह हैं जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ निहारी की। नहायत आसान है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब हम गोश्त मैंने ले लिया था उसके लिए, ठीक है जी, गोश्त जो मैंने ले लिया था उसको मैंने बॉयल करने रख दिया था। उसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। ठीक है जी, ये देखें ये गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है। ठीक है जी, गोश्त हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। प्याज मैंने ले ली है, 2 प्याज ली थी, छोटी प्याज थी तो मैंने 2 ले ली हैं। मिर्ची पाउडर ले लिया है, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर ले लिया है 1/2 चम्मच, सौंठ मैंने ले ली है 1/2 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ को मैंने कूट लिया है, ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच। ठीक है जी, ये मैंने नेशनल का मसाला ले लिया है, दिल्ली निहारी मसाला। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है जो 2 चम्मच डालेंगे, और मैंने आटा ले लिया है 2 चम्मच। ठीक है जी, चलते हैं अपने रेसिपी बनाने। कप में इसमें तेल डाल दूंगी क्योंकि निहारी में जितना रोगन होगा इतना ही ज़बरदस्त लगेगा। ठीक है जी, प्याज डाल दूंगी, प्याज को हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई, डाल देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के 2 चम्मच, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिए, मसाला डाल दिया, एक चम्मच पानी डाल देंगे और इसको घोल लेंगे अच्छे से। चम्मच छोटा वाला तो हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। अच्छे से हम भून रहे हैं इसको। अब इसमें हम ये गोश्त डाल देंगे जो हमारी यखनी बनी हुई है। हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बन रहा है। अब हम इसमें यही जो इसका यखनी का पानी है ये थोड़ा सा डाल के हम इसको भून लेंगे और ये अच्छे से भून जाए। अब इसमें यखनी का जितना पानी है वो सब में डाल दूंगी। बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है माशाल्लाह में, यखनी का सारा पानी मैंने डाल दिया। नमक मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि नमक मैंने यखनी में डाल दिया। ठीक है जी, अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकने रहने देंगे, उसके बाद इसमें आटा मिलेगा। अभी मैं देख लेती हूँ, देखें उबाल ज़बरदस्त आ रहा है, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें आटा, ये देखें मैंने आटा बना लिया 2 चम्मच पानी डाल के। अब इसको मैं आराम आराम से चम्मच हम चलाते रहेंगे और आटा डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्ती हमारी निहारी तैयार हो गई है। इसको हम 5 मिनट सिर्फ दम लगाएंगे ताकि इसका जितना भी तेल है सारा वो ऊपर आ जाएगा
और अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ी रखनी हो या पतली रखनी हो तो आप आटे में कमी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 चम्मच लिए थे, आप चाहें तो 1.5 चम्मच 1 चम्मच भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें पतली लगे तो आप इसको इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2.5 से 3 चम्मच भी आप आटा डाल सकते हैं, ठीक है जी। दहली निहारी हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो पहले मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर मेरी इस रेसिपी को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली और पिछली सारी बआसानी आपको मेरी रेसिपी मिल सके, ठीक है जी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। दिली दुआओं के साथ दुआओं में याद रखिएगा। निदा परवेज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।